हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू गाइस आर डूइंग वेल। माय नेम इज चिराग मनोचा और मैंने सोचा क्यों ना एक आज ऐसे क्रिकेटर के बारे में बात की जाए जिसने हाल ही में अपना डेब्यू करा और अपने परफॉर्मेंस से सभी का दिल जीता। यस, यू गॉट इट राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट रेहान अहमद। ही बिकेम द यंगेस्ट डेब्यूटेंट इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट टू टेक 5 विकेट हॉल। पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड थर्ड टेस्ट मैच 48 रन देकर 5 विकेट इनके नाम रहे और पूरे मैच में इन्होंने लिए 7 विकेट। इंग्लैंड पहली टीम बनी जिसने पाकिस्तान में जाकर व्हाइट वॉश करा। इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में हराया 3-0 से। मतलब ये बैस बॉल तो बाकी टीमों के धागे खोल रहे। पर आज के इस वीडियो में हम इंग्लैंड के बारे में बात नहीं करेंगे, बात करेंगे सिर्फ रेहान अहमद के बारे में। इंग्लैंड की टीम में जगह बनाने से पहले रेहान अहमद का क्रिकेटिंग करियर कैसा रहा ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रेहान अहमद वॉज बॉर्न ऑन 14th of August 2004। उन्होंने अपना लिस्ट में डेब्यू करा इन जुलाई 2021 लेस्टरशायर की तरफ से खेलते हुए इन रॉयल लंदन वनडे कप। वहां पर इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा जिसकी वजह से इन्हें जगह मिली अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 इंग्लैंड के स्क्वाड में एंड ही वाज द सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंग्लैंड इन दैट टूर्नामेंट। आपको बताएं, जब रेहान अहमद 11 साल के थे तब वो नेट में बॉलिंग करने गए इंग्लैंड की टीम को और उन्होंने विकेट लिया था बेन स्टोक्स और एलिस्टर कुक का। उसके 2 साल बाद द ग्रेटेस्ट स्पिनर ऑफ ऑल टाइम शेन वॉन ने भी इनकी जमकर तारीफ की थी। Cool. That's awesome, man. Really, really good. I'm going to keep a close eye on you. I think you will be commentating on you very soon. I think you could be playing first-class cricket by the age of 15. इस साल जो 100 टूर्नामेंट खेला गया, रेहान अहमद इकलौते ऐसे बॉलर थे जिनके नाम मेडन ओवर था। 5 मैचेस में इनके नाम रहे थे 2 विकेट्स, इकॉनमी रेट था 6.35 का। रेहान अहमद के करियर में उनके पेरेंट्स का हमेशा से बहुत बड़ा रोल रहा है। उनके फादर नहीम अहमद, जो पाकिस्तान की तरफ से एक वनडे मैच भी खेल चुके हैं, कराची से हैं, जहां पर रेहान अहमद ने एक कारनामा किया। 5 विकेट्स लेकर रेहान अहमद ने बॉल दिखाई अपने फादर को और उनके फादर के चेहरे पर खुशी साफ साफ दिखाई दे रही थी। अनफॉर्चुनेटली उनकी मदर स्टेडियम में प्रेजेंट नहीं थी, पर अपनी मदर के लिए उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्वीट किया। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। मैं अपनी माँ की दुआओं के बिना इस स्टेज तक कभी नहीं पहुंच पाता। मैं हमेशा अपनी माँ का ग्रेटफुल रहूं। अनफॉर्चुनेटली वो मेरा मैच नहीं देख पाई, पर उनकी दुआएं हमेशा ही मेरे साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये रहा रेहान अहमद का अभी तक का क्रिकेटिंग करियर। गाइस, आपकी क्या राय है? आपको कैसा लगा उनका परफॉर्मेंस वर्सेस पाकिस्तान? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करने से बिल्कुल मत शर्माना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो, क्योंकि हम चाहते हैं जो भी अपडेट्स आए वो आप तक पहुंचे सबसे पहले बिना किसी रुकावट के। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो फेसबुक पर तो हमें लाइक करना, इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो फॉलो करना, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है। टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक विजिट नहीं किया तो एक बार होकर आओ, यू वुड बी डिसअपॉइंटेड। मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे फिर एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।